हेलो व्हाट्सअप बडीज, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास का चैप्टर वन एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन वन। सो लेट्स स्टार्टेड। क्वेश्चन वन है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है, ये जो नंबर है इसे मल्टीप्लाई करने पे, इसे इससे मल्टीप्लाई करने पे, मतलब सपोज करो इसे मल्टीप्लाई किससे किया हमने, एक्स से। तो इसे मल्टीप्लाई करने, अगर एक्स इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो उसे इससे मल्टीप्लाई करने पे वन आना चाहिए। यानी कि हम इसमें क्या नंबर ऐसा मल्टीप्लाई करें कि इसे वन आ जाए, तो वो नंबर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -3। तो इसका क्या हो जाएगा, देखो इधर -3 मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो 1/3, इधर माइनस, इधर भी माइनस चले जाएगा ये, तो एक्स क्या आ गया -1/3। ये क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -3। ऐसे ही इसमें हम एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वन आना चाहिए। एक्स क्या है, मल्टीप्लिकेटिव, हमने लेट कर लिया, लेट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2/3 बी एक्स। ठीक है, तो हमने इसे इससे एक्स से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आना चाहिए, 1। तो इससे हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। देखो इधर 3 डिवाइड में, इधर जाके मल्टीप्लाई में, और इधर 2 मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में, तो x की वैल्यू क्या आ गई इससे, 3/2। ऐसे ही अब इसका देखो, इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, 4 × 4 = 8, माइनस से माइनस चला गया तो ये क्या हो गया, 6। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 6 × x = 1 होना चाहिए, है ना। तो x क्या हो गया, 1/6। तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आएगा, या फिर इसे इसकी जगह पर आप ये भी लिख सकते हो, 4/3 × 8, ये भी। तो ये ऐसे ही हो जाएगा, देखो ना, 4 × 4 = 8, तो ये क्या हो जाएगा, 1/6। हाँ, अब ऐसे ही इसमें, इसे 9 × 3 = 27, 4 × 4 = 28, तो ये क्या हो गया, -3/7। इसे फर्दर सॉल्व करें तो -3/7 आया। आप -3/7 में x से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आना चाहिए, 1, तभी तो x मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएगा। तो इस समय x की वैल्यू क्या पता मिल गई, 7/3, और माइनस का माइनस, तो ये x की वैल्यू क्या हो गई, -7/3, ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया। ऐसी क्वेश्चन टू है, राइट द नेम ऑफ प्रॉपर्टी यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें कह रहा है इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है वो हमें बताना है। देखो ये प्रॉपर्टी, इसके लिए मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्रॉपर्टी का हमने एक इंट्रोडक्शन बनाया था, उसका मैं आई बटन पर लिंक दे दूँगा, आप वहाँ जाके देख लेना। तो इसमें क्या क्या, वो प्रॉपर्टी सारी मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टी बता रखी है उसमें, तो उसी में से एक प्रॉपर्टी है, जब मल्टीप्लाई करते हैं किसी ब्रैकेट वाले में प्लस या मल्टीप्लाई, प्लस या माइनस हो बीच में, तो ये 3 एक बार इससे मल्टीप्लाई होता है, एक बार इससे, तो ये देखो ये इससे मल्टीप्लाई होकर यहाँ आ गया, फिर बीच में जो साइन है वो, फिर ये 3 इससे मल्टीप्लाई होकर यहाँ आ गया। तो इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, इस प्रॉपर्टी का नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। देखो कैसे हमने समझा, देखो डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करना, इसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं किससे, मल्टीप्लाई से, ओवर क्या है बीच में, प्लस, अगर यहाँ माइनस होता तो क्या लिखते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ऐसे ही अब ये देखो ये क्या है, ये एक नंबर है, इससे इससे मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है, 1, और इसका उल्टा भी सही है, यानी कि ये क्या है, ये है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी कि ये क्या है, इनवर्स प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, है ना। ऐसे ये देखो ये हमारा आंसर है। ऐसे अब ये क्या कहता है, देखो ये क्या कह रहा है, a × b = b × a है, तो ये कौन सा प्रॉपर्टी होता है मल्टीप्लीकेशन में, ये होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। आप पूरा लिख रहे हैं, ये मैंने मल्टीप्लीकेशन का क्रॉस लगा दिया है। ठीक है, ऐसे अब ये देखो ये क्या है, ये देखो ये है a × b (c) = a (b×c), यानी कि ये पहले कह रहा है पहले इसे सॉल्व करो फिर इसे मल्टीप्लाई करो, और पहले इसे सॉल्व करो इससे मल्टीप्लाई करो, तो इन दोनों का आंसर सेम आता है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन 3 है, वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन फॉर द फॉलोइंग रैशनल नंबर। हमें कह रहा है ये जो दो रैशनल नंबर दे रखे हैं, इन दोनों रैशनल नंबर के लिए हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन फॉलो करना है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, p/q, मतलब एक रैशनल नंबर है उसे दूसरे रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करो और उसे उल्टा करके मल्टीप्लाई करो, तब भी आंसर सेम आता है। यानी कि हम सिंपल सी लैंग्वेज में कहें तो a × b = b×a होता है। हाँ, तो इसमें हमें क्या करना है, पहले इन दोनों को सीधा मल्टीप्लाई करते हैं, -3/11 × -5/9, और इसे उल्टा -5/9 × -3/11, तो इन दोनों का आंसर अगर सेम आता है तो इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने वेरीफाई कर दी। ठीक है, तो इसे दो पार्ट में सॉल्व कर लेते हैं। ये देखो ये क्या है, माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, तो 3 × 3 = 9,
ठीक है। अभी क्या हो गया 5/33, इससे क्या आंसर आएगा हमारा 5/33। अब इधर देखो 3 1 3, 3 3 9, माइनस से माइनस कट गया तो ये क्या हो गया 5 5 × 1 5 11 × 3 11 33। तो इससे क्या हो गया हमारा, ये हो गया 3 × −3 × 11 × −5/9 इक्वल्स टू 5/33 इक्वल्स टू क्या हो गया 5 − 5/9 × −3/11। तो हैंस हम ऐसे लिखेंगे, हैंस इट शोज अ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। ये हमारा आंसर हो गया। अब ऐसे इसका सेकेंड पार्ट भी सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या है 13/5 and 15, तो पहले 13/15 × 5 और इस साइड कर लेते हैं 5 × 13/15। अब इसे सॉल्व करते हैं, देखो 5 × 5 5 × 15, तो ये क्या हो गया 13/3 और इधर 5 × 5 5 × 15, तो ये भी क्या हो गया 13/3। तो इस ऐसे भी लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या पता चलता है 13/15 × 5 इक्वल्स टू क्या है 13/3 और ये भी इसके इक्वल है, तो यानी कि 5 × 13/3। तो हम यहाँ लिखेंगे हैंस वेरीफाइड। अब क्वेश्चन 4 है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर चेक दैट x डिवाइडेड बाय y इज नॉट इक्वल टू y डिवाइडेड बाय x। हमें कह रहा है इस रैशनल नंबर के लिए हमें प्रूव करना है x डिवाइडेड बाय इज नॉट इक्वल टू y डिवाइडेड बाय x। तो पहले हम x डिवाइडेड बाय y निकाल लेते हैं। x डिवाइडेड बाय y को x बाय y भी लिख सकते हैं। तो इधर x क्या है 7/4 और y क्या है 35/48। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, देखो a बाय b डिवाइडेड बाय c बाय d में क्या होता है, ये ऊपर चले जाता है और ये ऊपर, तो ये क्या हो जाता है a बाय b इंटू d बाय c। तो इसमें भी क्या हो जाएगा 7/4 × ये 35 ऊपर चले जाएगा, 35 इधर आ जाएगा और 48 सबसे ऊपर, तो 4 × 48, ठीक है। तो 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 4 = 12 = 48, 7 × 5 = 35। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर इससे 12/5। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब ऐसे ही हम y डिवाइडेड बाय x भी निकाल लेते हैं। इसके लिए y डिवाइडेड बाय x को क्या लिख सकते हैं, y बाय x। तो ये क्या हो जाएगा इधर y क्या है 35/48 और x क्या है 7/4, है ना। तो अब ये देखो 7 ऊपर चला जाएगा और ये वाला 4 इधर, तो ये क्या हो जाएगा 35 × 4/48 × 7। तो 7 × 5 = 35 और 4 × 1 = 4, 4 × 12 = 48, तो ये क्या हो जाएगा 5/12। तो हम ऐसे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 x डिवाइडेड बाय y इज़ नॉट इक्वल टू y डिवाइडेड बाय x। देखो ये मैं इधर लिख दे रहा हूँ क्योंकि इसके लिए मुझे नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा, इसलिए मैं यहीं समझा दे रहा हूँ। हम ऐसे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड x डिवाइडेड बाय y इज नॉट इक्वल टू y डिवाइडेड बाय x, हैंस प्रूव्ड। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन 4 का बी पार्ट है x इक्वल टू 10 और y इक्वल टू −20। अब इसके लिए हम x डिवाइडेड बाय y निकाल लेते हैं पहले, तो इसे x बाय y लिख सकते हैं। अब 10 है, 10 कुछ क्या, 10 के नीचे कुछ नहीं, यानी कि 1 होगा, तो 10/1 डिवाइडेड बाय −20/19, तो ये वाला ऊपर वाला ऊपर और ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा 10 × 10 × 19 / −20। ये माइनस ऊपर चले आता, तो ये देखो 10 × 10 × 10 × 2 = 20, तो ये माइनस ऊपर चला गया, तो −19/2। ये हमारा आ गया x डिवाइडेड बाय y, इसे मान लेते हैं हम इक्वेशन 1। अब अगला निकालते हैं y डिवाइडेड बाय x। y डिवाइडेड बाय x को क्या लिख सकते हैं, y बाय x, यानी कि y कितना है −20/19 और x कितना है 10/1, तो ये 10 ऊपर चले जाएगा और ये 1 इससे भी ऊपर, तो ये होगा −20 × 1 / 19 × 10, तो 10 × 10 = 20, तो ये कितना हो गया −2/19। इसे मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। अब हम ऐसे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट x डिवाइडेड बाय y इज नॉट इक्वल टू y डिवाइडेड बाय x, है ना। एक मिनट, ये विजिबल हो रहा है, हाँ, हैंस वेरीफाइड। ऐसे लिखेंगे हैंस वेरीफाइड, ये हमारा आंसर हो गया। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो नीचे दे रेड सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय, स्टे ट्यून्ड।